आप सभी को नमस्कार। मित्रों, इन दिनों हम लोग लेखक, संस्कृति कर्मी, अनुवादक और स्तंभकार अशोक वाजपेयी जी पर एकाग्र कर रहे हैं। आज इस एकाग्र की 28वीं कड़ी है और हमारे साथ कवि आलोचक आशीष त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। हम शीघ्र ही उनको सुनेंगे। उन्हें बुलाने से पूर्व एक पुस्तक का हवाला दे रहा हूं। आलोचक गोपेश्वर सिंह जी की पुस्तक, जिसका नाम है आलोचक का आत्मावलोकन, यह विगत वर्ष में ही आई, 2022 में, जबकि इसमें प्रकाशित आलेख अलग अलग अवसरों पर विभिन्न पत्रिकाओं में पहले ही प्रकाशित रहे। यह पुस्तक उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों और आलेखों का संग्रह है। इसमें वे प्रवृत्तियों पर, रचनाकारों पर और आलोचकों पर विचार करते हैं। जानकी बल्लभ शास्त्री जी से बातचीत भी इसमें शामिल है। कुछ एक विधाओं को भी उन्होंने शामिल इसमें किया है। इसमें उनका एक आलेख है, आजादी के बाद की हिंदी कविता। उसमें वे सिलसिलेवार कई कवियों पर बात रखते हैं, विभिन्न कविता आंदोलनों की चर्चा करते हैं। यहीं पर वे अशोक वाजपेयी जी को लेकर भी कुछ बातें कहते हैं। आज इस अवसर पर मैं गोपेश्वर सिंह की उस बात को यहां पर रखना चाह रहा हूं। वे लिखते हैं, नई कविता के ही गर्भ से निकले लेकिन भिन्न मिजाज के कवि अशोक वाजपेयी का काव्य संग्रह शहर अब भी संभावना है पर्याप्त चर्चा में रहा। अपने समय में, अपने समय के सच से टकराकर निकलती इन कविताओं में ऐसी ईमानदारी थी जिसे पाठक ने अपने भीतर की आवाज समझा, और वे इस संग्रह से जो 66 और उसके आसपास यह संग्रह आता है, उसमें इस संग्रह में एक कविता की कुछ एक पंक्तियां वे उद्धृत करते हैं। वे पंक्तियां हैं अशोक वाजपेयी जी की, एक ऊंची इमारत की पांचवी मंजिल की एक खिड़की से एक आदमी ने अपने को बाहर फेंक दिया है। एक ऊंची इमारत की पांचवी मंजिल की एक खिड़की से एक आदमी ने अपने को बाहर फेंक दिया है। मेरे शब्द उछलकर उसे बीच में ही झेल लेना चाहते हैं, पर मैं हूं कि दौड़कर लिफ्ट में चढ़ दफ्तर तक जाता हूं, पता लगाने कि नई जगह पर नियुक्ति कब होगी। तो जिस तरह का यह अंतर्द्वंद है और जिसकी बात गोपेश्वर सिंह कह रहे हैं, जिस ईमानदारी की, वह हम यहां पाते हैं। मनुष्य का स्वार्थ और उसके ही भीतर कहीं दबी बैठी जो करुणा है, दूसरे मनुष्यों के साथ जो सहभाव की भावना है, उन सबको लेकर यह कविता है। यह बात हमने इसलिए भी की कि किस तरह अपने पहले ही कविता संग्रह शहर अब भी संभावना है से अशोक जी का स्वर अपना एक जगह बनाता हुआ चलता है। आज हमारे वक्ता आशीष त्रिपाठी जी खास तौर से इन हाल के 2 दशकों में अशोक वाजपेयी जी की कविताओं के भीतर जो अभिव्यक्तियां हुई उस पर बात करेंगे, और उसमें भी उन पक्षों पर विशेषकर जिनमें सामाजिक बदलाव को लेकर कवि के जो स्वर हैं उसे भी रेखांकित करेंगे। अपने इसी ही, यह तो बात हुई उनके पहले कविता संग्रह की, जिसे गोपेश्वर सिंह अपने उस आलेख में
रखते हैं। इसी पुस्तक में एक और आलेख है जो आलोचक अशोक वाजपेयी जी पर है, उसमें भी पूर्वाग्रह की बात करते हैं। उसमें जिस तरह से तमाम विषयों पर संवाद हुए, विवाद हुए, उसकी चर्चा होती है। और इस सबके पीछे जो अपना संपादक है, उसका जो एक लोकतांत्रिक स्वभाव है, उसे भी वे रेखांकित करते हैं। और चूंकि यह हाल की ही पुस्तक है और संभवतः वह आलेख कुछ नया ही हो जो उनके आलोचक पक्ष पर है, तो वहां वे सांप्रदायिकता के विरोध में जिस तरह से अशोक वाजपेयी जी अपना मोर्चा खोलते हैं, इसके लिए भी उन्हें याद करते हैं गोपेश्वर सिंह। वे लिखते हैं, मैं उन्हें कोट कर रहा हूं गोपेश्वर सिंह जी को, कि सांप्रदायिकता विरोधी अपने सक्रिय अभियान के कारण सत्ता को असहज करने वाले आज की तारीख में वे हिंदी के सबसे बड़े कवि लेखक हैं। भारत के पब्लिक इंटेलेक्चुअल के रूप में हिंदी समाज की ओर से बोलने वाले कवि लेखकों में उनकी आवाज सबसे ऊंची है। मुझे याद आ रहा है इस अवसर पर आप और आप सब लोग भी याद कर रहे होंगे कि इसी एकाग्र में वैभव सिंह जी ने भी उनके इसी पक्ष पर अपनी बात रखी थी कि अशोक वाजपेयी जी पब्लिक इंटेलेक्चुअल के रूप में हमारे सामने किस तरह से आते हैं। यह एक छोटी सी भूमिका मित्रों हमारे वक्ता को बुलाने से पूर्व, और अब मैं सीधे आशीष त्रिपाठी जी के पास चलता हूं। आशीष जी माइक को ऑन कर लें। नमस्कार अर्पण जी। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आशीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। और अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर बहुत ही प्यारा सा शीर्षक आशीष जी ने आज के इस वक्तव्य के लिए रखा है, तो उस पर बात करें। किस तरह से आप उनकी कविताओं की यात्रा को देखते हैं, उनके कवि के भीतर के बदलाव को रेखांकित करते हैं, और जो एक शीर्षक आशीष जी ने रखा आज के इस वक्तव्य के लिए, बेहतर का सपना अब भी गाता है। तो आइए मित्रों हम आशीष जी को सुनते हैं। जी स्वागत। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे इस श्रृंखला का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ, और इसके लिए मैं अर्पण जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि न सिर्फ उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, बल्कि दिसंबर के आखिर से लेकर अब तक वो मेरा पीछा करते रहे और मुझे पकड़ने की पूरी कोशिश करते रहे, और अंततः अपनी निजी व्यवधानों के कारण मैं पहले इस श्रृंखला में शामिल नहीं हो सका। अंततः मैं आज जब ये समाप्त होने वाली है तब मैं इसमें शामिल हो रहा हूं। मित्रों, मैं अशोक जी की कविताओं पर अपनी बातचीत के दूसरे हिस्से में बात करूंगा, लेकिन अर्पण जी ने ये कहा कि मैं शुरुआत में कुछ अशोक जी से अपनी मुलाकातों के बारे में आपको बताऊं, और इस तरह से व्यक्ति अशोक वाजपेयी से जो संबंध मेरा बना है उसके बारे में भी कुछ तफसीलें आपके सामने रखूं। मुझे ठीक ठीक ये याद नहीं कि अशोक जी से मेरी पहली मुलाकात कब हुई। मैं चूंकि मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और अशोक जी का भी एक गहरा निकट संबंध मध्य प्रदेश से रहा है, इसीलिए मैंने उनको अनेक दफा देखा है दूर से, बोलते हुए, भाषण देते हुए, कविता पाठ करते हुए, हस्तक्षेप करते हुए, और उसकी कोई मुकम्मल एक श्रृंखला मेरे दिमाग में नहीं है कि कब कब मैंने उन्हें इस तरह देखा। जब मैं बहुत अपनी स्मृति को खंगालता हूं तो मुझे लगता है कि शायद 1993-94 में पहली बार रीवा में, जब मैं या तो स्नातक तृतीय वर्ष का या एमए के पहले साल का विद्यार्थी था, तब देखा।
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में एक संस्कृति परिसर बनाया जा रहा था और ये संस्कृति परिसर एक तरह से भारत भवन का एक रूप इसके माध्यम से बनने वाला था। श्री अर्जुन सिंह पीवी नरसिम्हा राव सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री थे और उनके रहते हुए ये संभव हो रहा था। और इसके पीछे जो एक कोशिश थी, जतन था, वो हिंदी के आलोचक संपादक प्रोफेसर कमला प्रसाद का था। कमला प्रसाद जी की यह संकल्पना थी कि सभी विश्वविद्यालयों में एक बहुउद्देशीय सांस्कृतिक संकुल या परिसर की स्थापना हो। उन दिनों में श्री अशोक वाजपेयी मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में काम कर रहे थे और इस तरह ये तीन लोग इस परियोजना में, जैसा मैं सुनता था, जुड़े हुए थे। प्रोफेसर कमला प्रसाद, अशोक वाजपेयी जी और श्री अर्जुन सिंह जी। तो उस सांस्कृतिक परिसर के उद्घाटन के अवसर पर अर्जुन सिंह जी के साथ साथ श्री अशोक वाजपेयी रीवा पधारे थे और तब मुझे याद है कि शायद मैंने उन्हें पहली दफा देखा और उन्हें बोलते हुए सुना। एक कवि के रूप में, एक आलोचक के रूप में और एक संस्कृति कर्मी के रूप में उनके बारे में मैं इससे पहले सुनता रहा हूं, क्योंकि मेरे परिवार की पृष्ठभूमि लेखन की पृष्ठभूमि रही है और मेरे पिता प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े रहे हैं मध्य प्रदेश में। इसलिए अशोक जी का नाम हमारे परिवार में एक ऐसा नाम था जो अक्सर ही किसी न किसी कारण से लिया जाता था। 1993-94 की उस समय से लेकर 2010 तक अशोक जी को अनेक मौकों पर दिल्ली में, भोपाल में मैंने देखा और सुना। और निजी रिश्ते की शुरुआत एक तरह से 2010 में पड़ती है, जब हिंदी के विख्यात आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह की मेरे द्वारा संपादित चार पुस्तकों का सेट विश्व पुस्तक मेले में, मेरा ख्याल है कि जनवरी के आखिर की किसी तिथि में, 28 या 29 जनवरी को 2010 में लोकार्पित हुआ। अशोक जी एक ऐसे आलोचक और कवि रहे हैं जो नामवर जी को हमेशा इस बात के लिए अलग अलग तरीके से टोकते, रोकते और कोचते रहे हैं कि नामवर जी बोलते बहुत हैं, लिखते नहीं हैं और इस तरह से वाद विवाद संवाद के बाद उनकी किताबें नहीं आ रही हैं। ये चार किताबों का सेट जब लोकार्पित हुआ, मैं उस अवसर पर उपस्थित नहीं था दिल्ली में, लेकिन जैसा कि मेरे युवा साथियों और विद्यार्थियों ने बाद में बताया कि नामवर जी के अतिरिक्त प्रोफेसर निर्मला जैन, श्री विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री नित्यानंद तिवारी, कुंवर नारायण जी और अशोक वाजपेयी जी लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित थे और इन्हीं इन सब ने छोटे छोटे भाषण दिए थे और उसमें शायद एक व्यक्ति के रूप में पहली बार अशोक जी ने मुझे चीन्हा और पहचाना। मुझे बेहद खुशी हुई जब उसके लगभग एक महीने बाद ही, फरवरी या मार्च के किसी दिन, हिंदी के बड़े कवि और जिनसे मेरा एक घनिष्ठ संबंध था, चंद्रकांत देवताले का मेरे पास फोन आया और उन्होंने बताया कि अशोक जी उज्जैन आए थे और उन्होंने मेरे काम की का नोटिस लिया और एक खास तरीके से, देवताले जी की बात करने का एक तरीका था और बातों को कहने का उनका एक अलग खास तरह का ढंग था। जो बातें उन्होंने कही उसका मतलब ये था कि उन्होंने, अशोक जी ने तुम्हारे काम की तारीफ की। और ऐसा ही उसी यात्रा में, भोपाल इंदौर उज्जैन की उसी यात्रा में अशोक जी भगवत रावत से भी मिले और भगवत रावत ने भी शायद फोन पर या मुलाकात पर इस बात की ताकीद की। तो एक बिना मिले एक तरह के संबंध की शुरुआत हुई अशोक जी के साथ। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब 2011 में रजा फाउंडेशन ने अज्ञेय की जन्मशती मनाते हुए दिल्ली
में जो आयोजन किया उसमें एक सत्र में मुझे बोलने के लिए बुलाया। अब बहुत दिलचस्प किस्सा उस सत्र का भी है। मैं ट्रेन से दिल्ली गया और ठंड के दिन थे, मार्च महीने की शुरुआत के दिन थे, और मेरा ख्याल है 7 मार्च 2011 का ये वक्त होगा, या शायद 10 का भी हो सकता है, मेरा ख्याल है 11 का। मैं ट्रेन से गया और मेरी ट्रेन जो 8 बजे पहुंचनी चाहिए थी वो लगभग 2.5-3 घंटे देर से दिल्ली पहुंची, और मेरा सत्र शुरू हो गया था। और हम दो वक्ता थे संभवतः, मैं और श्री ज्योति जोशी, और लगातार मेरे मोबाइल पर फोन आते रहे रजा फाउंडेशन की ओर से कि सत्र शुरू हो गया है, आप कहाँ तक पहुंचे हैं। मैं उनको बता रहा था और फिर ये पता चला कि ज्योतिष जी बोल रहे हैं आप, मैं जल्दी पहुंचूं। मैं ट्रेन से उतरा, भागते हुए मैं साहित्य अकादमी जहाँ ये सेमिनार हो रहा था वहां गया, और मैं अपना सूटकेस लिए हुए ही सभागार में घुसा। और जैसे ही मैं गेट से घुसा, अशोक जी ने मंच से मेरा नाम पुकारा और एक तरह की सूचना दी सभा को कि मैं देर सवेर गिरते पड़ते पहुंच गया हूं। और अशोक जी, ज्योति जोशी अपना वक्तव्य समाप्त कर चुके थे और वो जो वक्त बचा था जिसमें मुझे बोलना था उसमें अशोक जी लगातार बोल रहे थे। मैंने सूटकेस वहीं धरा और मैं सीधे मंच पे पहुंचा। अशोक जी ने मेरा एक संक्षिप्त सा परिचय दिया और मुझे बोलने के लिए बुलाया। तो वो एक तरह से पहली मेरी निजी मुलाकात थी अशोक जी के साथ, और उसके बाद फिर मुलाकातों का, बातों का सिलसिला चलता रहा। अनेक अवसरों पर अनेक दूसरे लोगों ने, जिसमें कई वरिष्ठ साहित्यकार शामिल थे, कमला प्रसाद जी तो नहीं लेकिन दूधनाथ सिंह, इलाहाबाद के कई लोग, प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र, जिन्होंने इन अशोक जी के साथ अपनी बातचीत को, जिसमें मेरा कोई उल्लेख उन्होंने किया, मुझे बाद में बताया। 2014 में रजा फाउंडेशन ने मुझे एक और आयोजन में बुलाया दिल्ली, और वो मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में के प्रकाशन के 50 वर्ष पूरे होने पर यह आयोजन था, और 2 दिनों का आयोजन था और मुझे एक सत्र में बोलना था। उस बातचीत का भी एक खासा दिलचस्प संस्मरण ये है कि मैं ने अपनी बात रखी जिसमें एक खास नुक्ते पर मैंने ये कहने की कोशिश की थी कि अंधेरे में के प्रकाशन के बाद समूची हिंदी कविता एक तरह से अंधेरे में का विस्तार है, उसकी टीका है, उसका पुनर्गायन है, पुनर्कथन है, और इस श्रृंखला में मैंने कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों का नाम लिया था। शाम को, जिसे अशोक जी रसरंजन कहते हैं, और रसरंजन में हम लोग इकट्ठे हुए जिसमें अनेक महत्वपूर्ण लोग शामिल थे, आचार्य के कमलेश दत्त त्रिपाठी वो रसरंजन में शरीक नहीं होते पर वो थे वहां उस अवसर पर, प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी, प्रोफेसर सुधीर चंद्र और दूसरे हमारे दो लोग, वरिष्ठ लोग, मेरे साथ पंकज चतुर्वेदी ठहरे हुए थे, जो बाहर से आने वाले अतिथि थे वो भी उस अवसर पर शामिल थे। तो जब मैं वहां पहुंचा और रसरंजन में मुझे, तो अशोक जी का एक जो सामान्यतया एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण रिश्ता मेरे साथ अब तक रहा है 10 वर्षों में, ये बात मैं हिंदी के बहुत कम लोगों में देखता हूँ कि उम्र और विचारधारा और तमाम दूसरे नाकों को पार करते हुए लोग इतना खुलेपन से, उदारता से, अपने से कनिष्ठ और युवा लोगों को इतने मैत्रीपूर्ण तरीके से बरतते हैं। अशोक जी का पिछले 10 सालों में, 10 से ज्यादा वर्षों में मेरे साथ जो संबंध रहा, उसमें मैं ये कह सकता हूं कि सारी पहल उनकी ओर से हुई, ये उनका बड़प्पन था। मुझ में क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन हर एक मौके पर, जरूरी मौके पर उन्होंने मुझे याद किया, और ये जो एक दोस्ताना जो स्नेह है वो दोस्ताना स्नेह हमेशा अशोक जी की ओर से मिला। पर उस आयोजन में एक और अनुभव मुझे हुआ अशोक जी के साथ, और वो ये कि मेरी इस खास एक स्थापना के क्रम में मैंने जिन कवियों के, 10 से ज्यादा कवियों के नाम लिए थे, उससे अशोक जी को खासी आपत्ति थी और उन्होंने
रस रंजन के उस मौके पर मेरा जो ओरिएंटेशन है, प्रगतिशील पृष्ठभूमि का ओरिएंटेशन है, उसके बारे में काफी तल्ख टिप्पणी की और एक कठोर टिप्पणी की। लेकिन मैंने देखा कि इसके बावजूद कि उनके मन में मेरी मेरी प्रगतिशील पृष्ठभूमि को लेकर एक एक रिजर्वेशन उस मौके पर अभिव्यक्त हुआ, लेकिन इसके बाद भी संबंध में बराबरी का एक संबंध लगातार उनकी ओर से चलता रहा और मैं रजा फाउंडेशन के अनेक कार्यक्रमों में उनकी उनके बुलावे पर शामिल होता रहा। फिर बाद में मैंने भी अपने विश्वविद्यालय में उनको एक से ज्यादा अवसरों पर बुलाया और वो अनुभव भी मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प रहा, क्योंकि बहुत ही मैत्रीपूर्ण ढंग से वे आए और बहुत ही एक जैसे हिंदी के सभी लेखकों में एक बड़प्पन और एक उदारता होती है, उसी तरह से वे हमारे आयोजनों में शामिल हुए। मैं याद करता हूं कि 2018 में हम मुक्तिबोध की जन्म शताब्दी पर 3 दिन का एक सेमिनार काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित कर रहे थे और हम इस बात से डरे हुए भी थे कि शासन सत्ता में पुरस्कार वापसी के अनेक लेखक उस आयोजन में शामिल हो रहे थे। श्री राजेश जोशी उसमें आए थे, श्री मंगलेश जबराल को उसमें आना था, अशोक जी उसमें आ रहे थे। तो ये था कि पता नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय में जो दूसरे पक्ष के विचार के लोग हैं वो कैसे इसको बरतेंगे, लेकिन ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का के अंदर मौजूद एक लोकतांत्रिकता थी जिसने इस मौके को भी बहुत ही एक उत्सव के साथ हो जाने दिया और हिंदी के एक बड़े लेखक को, एक जेनुइन लेखक को, एक प्रतिबद्ध लेखक को याद करने के लिए हम सब जो बड़े लेखक और हम सब इकट्ठे थे। तो अशोक जी मैंने देखा कि दूसरे दिन आए बिल्कुल सुबह, उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और वो लगभग 8:30 बजे बनारस उतरे और तुरंत टैक्सी लेकर वो आए और सीधे वो कार्यक्रम स्थल पर आए, एक भी मिनट आराम किए और फिर लगातार 2 दिनों तक जब तक कि वो रहे वो लगातार अवसरों पर उपस्थित रहे और उसके बाद उन्होंने कभी कभार में वो उन दिनों लिखते थे, कभी कभार में उन्होंने इस कार्यक्रम की अच्छी खासी चर्चा की और इस बात की भी चर्चा की कि विश्वविद्यालयों का जिस तरह का पतन हुआ है तो कितने उत्साह और आत्मीयता के साथ और बड़ी संख्या में युवा लोग मुक्तिबोध की जन्म शताब्दी मनाने के लिए उपस्थित हुए। तो एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण, स्नेहपूर्ण, उदारतापूर्ण रिश्ता अशोक जी का रहा। उनके अनुरोध पर और मेरे प्रस्ताव पर रजा फाउंडेशन ने मुझे रजा फेलोशिप प्रदान की और मैं हबीब साहब की जन्म जीवनी पर काम कर रहा हूं। तो बहुत सारे व्यक्तिगत बातचीत के अनुभव हैं मेरे पास, बहुत सारी बातें हैं जो अलग अलग मौकों पर उनसे बातचीत के क्रम में हुई। अभी जैसे मैं आपको या बात बताऊं कि कोविड के दूसरे दौर के बाद 2021 में अचानक दिल्ली से अगस्त महीने की किस तारीख को एक युवा साथी का फोन आया जिन्हें मैं जानता नहीं था। वो 2 दिन का एक सेमिनार कर रहे थे और उन्होंने बताया कि वो मूलतः एक उर्दू वालों की संस्था है जिसका केंद्रीय मुख्यालय हैदराबाद में है और वो एक सेमिनार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं आऊं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मुझे कैसे जानते हैं और कैसे आप के मन में आया कि मैं आप मुझे बुलाएं। तो उन्होंने कहा कि अशोक वाजपेयी इस आयोजन में आ रहे हैं और उन्होंने ही मेरे नाम का सुझाव दिया। अशोक जी से उस आयोजन में मुलाकात भी हुई और फिर एक दोपहर, एक अच्छी रसभरी दोपहर बिताने का उनके साथ मौका मिला उस दिल्ली में भी। फिर हम रजा फाउंडेशन के दफ्तर में और बाहर की संगोष्ठियों, सेमिनारों में, दिल्ली में अनेक अवसरों पर उनसे व्यक्तिगत बातचीत का मौका मिलता रहा है। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि 2 चीजें जो मुझे बहुत आकर्षित करती हैं अशोक जी के व्यक्तित्व में। पहली बात तो उनकी संवाद प्रियता। अशोक जी हिंदी के ऐसे कम लेखक और विचारक हैं, आलोचक हैं और खास तौर पर इतने तरह के कामों में संलग्न रहने वाले, इतने तरह के कामों का नेतृत्व करने वाले लोग, इतने व्यस्त लोग जो तमाम तरह के लोगों के साथ, विचारधाराओं के लोगों के साथ, तमाम तरह की विधाओं में काम कर रहे लोगों के साथ और तमाम उम्र और अवस्था के लोगों के साथ संवाद करने में
दिलचस्पी रखते हैं, हमेशा अपनी ओर से पहलकदमी करते हैं और जिस व्यक्ति से संवाद कर रहे हैं उसके प्रति एक खास तरह की आत्मीयता और एक मानवीय गरिमा से उसे बरतते हुए एक खास तरह का सम्मान उसे प्रदान करते हुए वो संवाद करते हैं। ये चीज मुझे बहुत गहरे तक प्रभावित करती है और मैं सोचता हूं कि हिंदी के सभी वैचारिक खेमों को, चाहे वो मार्क्सवादियों का, प्रगतिशील जनवादियों का खेमा हो, चाहे अंबेडकर वादियों का, बहुजनवादियों का खेमा हो, या गांधीवादियों और समाजवादियों का शिविर हो, या और ऐसे दूसरे स्वतंत्र विचार रखने वाले लोगों के समूह हो, उन सबको ये बात सीखनी चाहिए कि कैसे अन्य विचार रखने वाले, अन्य विचारधारा में सहानुभूति रखने लोगों के वाले लोगों के साथ भी कैसे एक मैत्रीपूर्ण और दोस्ताना संबंध रखा जाए। एक तो ये बात, दूसरी बात उन इस संवाद संवादीपन के साथ साथ उनके व्यक्तित्व में एक जो खास तरह का दोस्ताना है और एक खास तरह की गर्माहट से वे हमेशा मिलते हैं, एक बहुत ही खास तरह की आत्मीयता के साथ, वो आत्मीयता भी मुझे बहुत एक खास तरीके से लुभाती है। आमतौर पर मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, प्रगतिशील पृष्ठभूमि है रही है मेरी, उसमें अशोक जी को लेकर बहुत तरह के, जिसे कहते हैं हम इफ एंड बट, किंतु परंतु होते हैं और बहुत तरह की बातें कही जाती हैं। उसमें से एक बात जो अशोक जी की आलोचना करते हुए अक्सर प्रगतिशील पृष्ठभूमि के घराने में ये बात कही जाती है कि वो एक खास तरह की अभिजन प्रियता उनके भीतर मौजूद है, उनके कलात्मक बोध में मौजूद है। लेकिन मैं जब भी उनसे मिला हूं तो मैंने इस बात को उचित नहीं पाया है। मुझे लगता है कि उनके उनके विचारों में एक तरह का अभिजनत्व है, एक लीटनेस है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, जो उसमें संवाद का जो तरीका है, उसमें खास तरह का एक मध्यदेशीय, निम्न मध्यवर्गीय दोस्ताना भाव है। ये मध्यदेशी जो मध्य प्रांत में मिलता है, जिस एक खास तरह की कंपेनियनशिप और एक कॉमरेडशिप और एक दोस्ताना और सहचर भाव, जिसके सबसे बड़े कवि हिंदी में मुक्तिबोध हैं और हमारे जमाने में विनोद कुमार शुक्ल हैं, वो जो सहचर भाव, दोस्त भाव, या जिसे विष्णु खरे इंसान दोस्ती कहते थे, उस इंसान दोस्ती का जो प्रारूप है, वो जो खास तरह से मध्य देश में यानी बनता है, माने इलाहाबाद के नीचे और नागपुर के बीच का जो इलाका है, इस देश में जिस तरह का एक दोस्ताना बनता है, वो अशोक जी के व्यक्तित्व में बहुत कूट कूट कर भरा है और उसका जो प्रारूप है वो निम्न मध्यवर्गीय प्रारूप है। ये भी बहुत रेखांकित किए जाने की बात मुझे लगती है कि अशोक जी की कविता में भी ये निम्न मध्यवर्गीयता काफी गहरी और जगह घेरती है और अशोक जी की कविता की जो बुनियादी कोशिका है, वो बुनियादी कोशिका किसी अभिजन व्यवहार से या अभिजन सोच या विचार या संवेदना से नहीं बनती, बल्कि वो बुनियादी कोशिका एक निम्न मध्यवर्गीय या मध्यवर्गीय कोशिका से बनती है और उनकी कविता में ये चीज बहुत गहरी जगह घेरती है। जब आप उनके पहले कविता संग्रह से गुजरते हैं और वो उनकी कविताएं जो बहुत अधिक पढ़ी गई हैं, आसन्न प्रसवा माँ के लिए तीन गीत जैसी कविताओं से शुरू करें, और खास तौर पर वो कविताएं जो जिनमें पारिवारिकता है और परिवारी जनों को संबोधित करके लिखी गई हैं, या मौत की ट्रेन में दीदिया, या बहुत सारी कविताएं, उन कविताओं में एक खास तरह का वो जो मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, निम्न मध्यवर्गीय पारिवारिकता, जिससे कि निम्न मध्यवर्गीय दोस्ताना भाव उनका निर्मित हुआ है, वो बुनियादी है अशोक वाजपेयी की कविताओं की, ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। एक और बात जिसके लिए अक्सर अशोक जी के बारे में एक बहुत सकारात्मक भाव से बातें की गई हैं हिंदी में, लेकिन मैं उसे एक अलग ढंग से देखता हूं, और वो ये कि अशोक जी के व्यक्तित्व में और सोच और विचार में और कविता में और आलोचना में और उनकी वैचारिकता में जो अन्य कलाओं के प्रति जो जगह है, वो जगह बहुत ही औपचारिक नहीं है, बल्कि बहुत अनौपचारिक, आत्मीय और गहरी है।
अशोक जी को कलाओं की कोई ऊपरी सतह, ऊपरी और सतही जानकारी नहीं है, बल्कि वो कलाओं को बहुत ही उसके भीतरीपन से, उसकी आत्मा से जानते हैं। जैसे कि संगीत को या नृत्य कला को या रंगमंच को। और इसीलिए इसके संबंध में जो उन्होंने लेखन किया है, जैसे मुझे याद पड़ता है कि उनकी एक बहुत ही अद्भुत किस्म की पुस्तक है समय से बाहर, जिसमें उनके उन निबंधों को संकलित किया गया है जो संगीत नृत्य और कला और चित्रकला और वास्तुकला इत्यादि से संबंधित है। उसमें एक लेख है जो रंगमंच के बारे में, उसका शीर्षक तो मुझे याद नहीं, पर शायद महाकाव्यात्मकता की खोज या कुछ ऐसा ही शीर्षक है। आजादी के बाद के रंगमंच का जिस तरह का विश्लेषण अशोक जी ने अकेले उसे एक लेख में किया है, और जैसे उसकी समूची आत्मा को उन्होंने पकड़ लिया है, उसे छू लिया है और उसे हमने हमारे सामने रख दिया है। हबीब तनवीर, कावनम नारायण पनिक्कर इत्यादि के कारण जी के रंगमंच को केंद्र में रखते हुए जिस तरह से उन्होंने एक तरह के भारतीय आधुनिक रंगमंच की, भारतीय ढंग की आधुनिकता वाले रंगमंच की जिस तरह से उन्होंने व्याख्या की है, वो बहुत ही न सिर्फ दिलचस्प है, बहुत अद्भुत है और बहुत ही निर्णायक है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हिंदी रंगमंच के जितने बड़े अध्येता हैं, जिनमें श्री नेमीचंद जैन और देवेंद्र राज अंकुर जैसे अध्येता भी शामिल हैं, उनके समूचे वैचारिक चिंतन में भी उतनी गहरी सूझबूझ इस मामले में मुझे दिखाई नहीं दी जैसे कि अशोक जी के सिर्फ अकेले इस लेख में दिखाई पड़ती है। इसलिए ये भी एक पहलू है जो मुझे उनके मिलने से पहले और उनके मिलने के बाद अशोक जी की तरफ खास तौर पर आकर्षित करता रहा है। एक और चीज है जो मुझे अशोक जी से जोड़ती है, और वो ये है कि अशोक जी और मेरे बीच संबंध की एक और कड़ी है मुक्तिबोध। आप सब जानते हैं कि अशोक जी ने कविता के तीन दरवाजे नाम की एक पुस्तक बनाई है, इसलिए कहा कह रहा हूं कि वो लिखी नहीं है, वो पुस्तक असल में उनके समय समय पर लिखे गए निबंधों का एक और तरह का संचयन है, जिसमें उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता के तीन ऐसे कवियों को चुना है जो कवि जिन कवियों को वो एक तरह से मानक की तरह या नायक की तरह मानते हैं, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह और मुक्तिबोध। इनमें से दो कवि मेरे भी बहुत निकट हैं और मैं उनसे बहुत गहराई से जुड़ा हूं, शमशेर और मुक्तिबोध। और उसमें भी विशेष रूप से मुक्तिबोध के प्रति जिस तरह का एक अपनापा अशोक जी के भीतर मौजूद है, वो अपनापा भी मुझे अशोक वाजपेयी से जोड़ता है। यानी मेरे और उनके बीच जो एक वैचारिक संबंध निर्मित होता है, उसके बीच में हमारा संबंध निर्मित करने वालों में एक हमारे पूर्वज और अग्रज कवि मुक्तिबोध भी शामिल है। आज मैं जिन कविताओं पर आपके सामने छोटी थोड़ी सी बात करूंगा, बात तो मैं लंबी करना चाहता हूं कभी, लेकिन मैं जो थोड़ी सी बात करूंगा वो कविताएं इधर दो दशकों में लिखी गई उनकी कविताएं हैं। दो दशकों का मतलब है कि आप मोटे तौर पर ये माने कि 21वीं शताब्दी में लिखी गई उनकी कविताएं। मैं थोड़ा उसके इतिहास के बारे में भी आपको बताऊंगा और थोड़ा क्यों मैं उसको अलग से मैंने बातचीत के लिए चुना है इसके बारे में भी मैं आपको कुछ उसके कारणों की तरफ भी मैं बात करूंगा। पर उसकी शुरुआत करते हुए मैं अशोक जी के इधर दो दशकों की कविताओं की कुछ उद्धरण सबसे पहले पढ़ना चाहता हूं। अशोक जी को आमतौर पर हिंदी में जिस तरह की कविता के लिए जाना जाता है, यानी अशोक जी के साथ एक कवि के रूप में जो पहचान जुड़ी हुई है, जो उनका आइडेंटिफिकेशन है, वो आइडेंटिफिकेशन जिस प्रकार का रहा है, ये उद्धरण पढ़ते हुए मैं उस पहचान के समानांतर कवि अशोक वाजपेयी की एक दूसरी पहचान या दूसरे अशोक वाजपेयी के बारे में बात करना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले, मेरी बात को आप समझ सकें इसके लिए मैं सबसे पहले कविता के कुछ चार पांच छोटे उद्धरण आपके सामने पढ़ूंगा जो 2000
दो के बाद की अलग अलग कविताओं के हैं। हमारे समय ने हत्या हिंसा घृणा की नई आलोक संहिता लिखी है। हमारे समय में अंधेरे में दिन दहाड़े डोमाजी उस्ताद और हत्यारे जुलूस निकाल रहे हैं। हमारा समय निर्लज्ज अपवित्रता से रोज उतार रहा है गंगा आरती। हमारा समय अयोध्या में अन्याय की दीपावली मना रहा है। एक दूसरा कवितांश, इस गाढ़े अंधेरे में यूं तो हाथ को हाथ नहीं सूझता, लेकिन साफ साफ नजर आता है हथियारों का बढ़ता हुआ हुजूम, उनकी खूंखार आंखें, उसके तेज धारदार हथियार, उनकी भड़कीली पोशाकें, मारने नष्ट करने का उनका चमकीला उत्साह, उनके सधे सोचे समझे कदम। हमारे पास अंधेरे को भेदने की कोई हिम्मत हिकमत नहीं है और न ही हमारी आंखों को अंधेरे में देखने का कोई वरदान मिला है, फिर भी हमको यह सब साफ नजर आ रहा है। यह अजब अंधेरा है जिसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे नीम रोशनी में कोई नाटक के दृश्य। हमारे पास न तो आत्मा का प्रकाश है और न ही अंतःकरण का कोई आलोक। यह हमारा विचित्र समय है जो बिना किसी रोशनी की उम्मीद के हमें गाढ़े अंधेरे में गुम भी कर रहा है और साथ ही उसमें जो हो रहा है वह दिखा रहा है। क्या कभी कभार कोई अंधेरा समय रोशनी भी होता है? तीसरा उद्धरण, यातना शिविर, गैस चेंबर, जेलखाने, नरक की ओर जाती रेलगाड़ियां, बार बार तंती बंदूक, चिथड़े अंग, बच्चों की फटी पोशाकें, लाशों के अंबार, हत्याएं, चीखें, हृदय विदारक विलाप, क्रूर हंसियां, लंबे चीत्कार, सुबकियां, घात लगाकर हमले, दूसरों को नस्तनाबूद करने का उत्साह, बंदिश और प्रतिबंध, दंगे फसाद, कर्फ्यू, गोलाबारी, सब कुछ को रौंद कर आगे जाने की इच्छा। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा पीछे, ये सभी हम अपने साथ ले आए हैं। ये अंधेरे की कई इबारतें हैं जिन्हें हम अपनी नई नोटबुक में दर्ज कर संदर्भ की तरह रख रहे हैं और बार बार पढ़ रहे हैं। इतिहास हमें क्या सिखाएगा? हम इतिहास को अपने को दोहराना सिखा रहे हैं। हमारा समय ऐसा है कि तरह तरह की रोशनियां दरअसल अंधेरे के दुष्ट संस्करण है। चौथा उद्धरण, पवित्रता के लिए समय नहीं बचा है। गंदगी ने बुरा लगना बंद कर दिया है और क्रूरता प्रसाद की तरह घर घर बांटी जा रही है। पांचवा उद्धरण, भाषा में शब्द लगातार घट रहे हैं और गालियां तेजी से बढ़ रही हैं। अखबार निकल रहे हैं स्तुति स्मारिकाओं की तरह निर्लज्ज और झूठ की तरह चमक और छटा चहुओं फैल रही है। भाषा में सच के लिए शब्द नहीं बचे हैं। और अंतिम उद्धरण, यह वह समय है जो लहू और आंसुओं को सुखा सोख कर जीने का नया व्याकरण तैयार कर रहा है। हमारा समय ऐसा है कि तरह तरह की रोशनियां दरअसल अंधेरे के दुष्ट संस्करण। एक अद्भुत कविता पंक्ति और एक अद्भुत अनुभव अशोक जी की नई कविताओं में से आपको दिखाई देता है। हिंदी आलोचना में देह और गेह में सीमित कर के आमतौर पर अशोक वाजपेयी को देखा गया। यानी अशोक जी की 20वीं शताब्दी के अंतिम दो दशकों कालीन कविता को केंद्र में रखने वाला जो विमर्श है, उसमें आमतौर पर अशोक वाजपेयी को, कवि अशोक वाजपेयी को, देह और गेह के कवि की तरह देखा गया। लेकिन जब हम इन दो दशकों की, यानी जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं,
इन दो दशकों की कविताओं से गुजरते हैं तो हम अनेक बार अचरज से भर जाते हैं। ये उदाहरण जो मैंने अभी आपके सामने पढ़े, ये सामान्य तौर पर जब आप इन्हें एक साथ इकट्ठे करके पढ़ते हैं तो ये उदाहरण उस कवि अशोक वाजपेयी के उदाहरण नहीं लगते जिन्हें दे और गेह में सीमित करके देखा जाता रहा। इन कविताओं में समय और समय समाज का एक अलग ढंग का यथार्थ अनेक तरह की भंगिमाओं में व्यक्त होता है। कभी वो सपाट कथन की तरह आता है, कभी गहरी पीड़ा के साथ उभरता है, और कहीं वो एक रूपक की शक्ल ले लेता है। और ये तीनों रूपों में, कथन के साथ और पीड़ा के साथ अभिव्यक्तियों में और रूपक की अभिव्यक्तियों में वो दिखाई देता है। ये बात भी बहुत विशेष रूप से काबिले गौर है कि उनकी इन पिछले दो दशकों की कविताओं में और खासतौर पर पिछले एक दशक की कविताओं में, उनकी कविताओं में मुक्तिबोध की कविताओं विशेष रूप से अंधेरे में का एक तरह का अनुकीर्तन दिखाई देता है। ये जो मैं अनुकीर्तन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये नाट्यशास्त्र का शब्द है जहां अभिनय को भावों का अनुकीर्तन कहा गया है। इसे ये रिपीटेशन नहीं है, ये एक तरह का पुनर्गायन है जहां नया गाने वाला एक खास तरह से उसे दोबारा अभिव्यक्त करता है। तो ये जो अंधेरे में कविता का अनुकीर्तन है वो पिछले दो दशकों की अशोक वाजपेयी की कविताओं में दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि अशोक वाजपेयी की कविताओं में समाज पहले उपस्थित नहीं रहा, बल्कि उनकी बिल्कुल शुरुआती कविताओं में, उनके पहले कविता संग्रह की कविताओं में भी समाज ठोस रूपों में उपस्थित रहा है। 1962 से 1965 की एक कविता श्रृंखला है जिसमें 7 कविताएं हैं जो उनके विवक्षा नाम के कविता संग्रह में एक कविता क्रम शीर्षक से संकलित है, उसमें इसकी ठोस वानगी दिखाई देती है। इन कविताओं में ठिठुरती रात में किसी ढाबे में भूख से व्याकुल व्यक्ति है तो विफल ईश्वर भी है, उदास गरीबी और ऊंची इमारत की 5वीं मंजिल की खिड़की से आत्महत्या करने वाला व्यक्ति है तो उस आत्महत्या कर चुके व्यक्ति की खाली जगह पर नौकरी पाने को तत्पर एक युवक भी है, मंदिर के पास बैठा एक पागल और चाय की दुकानों पर बैठे लोग हैं तो बुढ़ापे से लगभग अंधे हो चुके बाबा और ऊंची आवाज में चिल्लाता मूंगफली वाला भी है। ये इस तरह की बहुत सारी उपस्थितियां उस युग में, यानी 1962 से 65 की शुरुआती अशोक वाजपेयी की कविताओं में मौजूद है। ये बिल्कुल ठीक है कि ठेठ प्रगतिशील कवियों केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और नागार्जुन की तरह समाज उनके यहाँ अपनी संपूर्ण जीवन कथा के साथ उपस्थित नहीं होता, परंतु वो उपस्थित होता है बहुत जीवित और वास्तविक। समाज की विडंबनाएं और कठोर वास्तविकताएं उनकी कविता में बहुत जगह घेरती हैं, और इस तरह अशोक जी के कविता संसार में बहुत ही शुरुआती समय से समाज चित्रों की और समाज से आने वाले परिस्थितियों की और चरित्रों की उपस्थिति लगातार बनी हुई है। इस संदर्भ में जैसे जिन कुछ कविताओं को सहज ही याद किया जा सकता है, उसमें जबरजोत जैसी कविता है जो बहुत ही एक अपने ढंग की कविता है अशोक वाजपेयी के काव्य संसार में। इसी तरह हो सकता है, चीख, साक्षात्कार, बुढ़िया, वह बूढ़ा मुसलमान, ये सारी की सारी कविताएं इस पूरी श्रृंखला में बहुत सहजता से याद की जा सकती है। कवि की परिवार और आत्म इतिहास से जुड़ी हुई कविताएं, आसन्न प्रसवा माँ के लिए 3 गीत, मौत की ट्रेन में दीदिया, अमर मेरी काया, विलाप, दिवंगत माँ के नाम पत्र, 26वीं बरसी, पिता के जूते, कहाँ है घर, फिर घर, उतना अच्छा आदमी नहीं, पीछे आगे, ये सारी की सारी कविताएं जो मूलतः पारिवारिक कथा कहने वाली कविताएं हैं, ये भी एक विशेष कोण से समाज की कथा कहती हैं। यहां इस बात को याद कर लेना भी जरूरी है कि एशियाई समाजों में परिवार सामाजिकता का प्रमुख अंग रहे हैं। परिवार सामाजिक अनुकूलन की जिम्मेदारी निभाने वाली प्रमुख संस्था रही है, इसीलिए समाज सत्ता परिवार के माध्यम से ही अपने ज्यादातर लक्ष्य पूरे करती रही। परिवार अनेक बार धर्म और राज्य से भी ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली दिखाई देता रहा है। राज्य और धर्म जो नियम कायदे कानून और विधि निषेध
लागू करवाना चाहते हैं उसकी जिम्मेदारी वो परिवारों पर देते रहे। इसीलिए एशियाई साहित्य में परिवार समाज को जानने का मुख्य उपकरण रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय कविता में, खासतौर पर मध्यकाल में, जायसी, मंजन, कुतबन, सूर, तुलसी और आधुनिक युग में प्रेमचंद, यशपाल, अमृतलाल नागर, नागार्जुन, अमरकंद कांत और फणीश्वरनाथ रेणु जैसे लेखक जब समाज की कहानी कहते हैं तो दरअसल वो समाज की कहानी कहते हुए परिवार कथाओं को बहुत प्रमुखता देखते हैं। इसीलिए अशोक जी की घर परिवार से जुड़ी हुई और आत्म इतिहास से जुड़ी हुई जो कविताएं हैं वो भी उनकी सामाजिकता को और समझने का एक बहुत मजबूत जरिया रहे हैं। इस सिलसिले में एक और कविता का जिक्र किया जा सकता है और वो है शताब्दी के अंत में, शताब्दी के अंत की कगार पर। ये 7 कविताओं की एक कविता माला है जो 1998 में लिखी गई है और ये कविताएं शताब्दी के अंत पर 7 अलग अलग पेशेवर लोगों के, शिल्पियों के रिस्पॉन्स हैं। और ये शिल्पी हैं कवि, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, मछुआरा, कनाड़ी और कुंजरा। ये कहने के लिए 7 हैं परंतु ये वस्तुतः भीतरी तौर पर एक ही हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प है कि जो कुम्हार वाला प्रसंग है, जो लोहार वाला प्रसंग है, जो बढ़ई वाला प्रसंग है, या मुझ मछुआरे या कुंजरे वाला जो प्रसंग है, वो सबको जब हम पढ़ते हैं तो ये फिर सिर्फ कुम्हार, लोहार, बढ़ई, मछुआरे और कुंजरे नहीं दिखाई देते। ये सब के सब कवि दिखाई देते हैं, सब के सब दार्शनिक दिखाई देते हैं। भारतीय जीवन के बारे में और भारतीय लोगों के बारे में और एशियाई लोगों के बारे में एक बात इन कविताओं के भीतर से निकलती है कि एशिया का और खासतौर पर भारत का साधारण से साधारण आदमी भी एक खास तरह से फिलोसोफर, दार्शनिक होता है और वो जीवन के बारे में, जगत के बारे में बहुत तरह की गूढ़ और बातें करता है जो कि इन कविताओं में मौजूद है। तो ये जो 7 रेस्पॉन्स है शताब्दी के अंत में नाम की सीरीज में, वो भी जो अशोक वाजपेयी की समाज संबंधी उनकी जो चेतना है, विचार है, उसको पहचानने का एक प्रमुख कारण है। और ये वो कविताएं हैं जहां से समकालीन दुनिया की की एक की पहचान उनकी कविता में बहुत ही मुखर होना शुरू होती है। ये कविताएं पढ़ते हुए इस बात की तरफ भी हमारा ध्यान जाता है कि अशोक वाजपेयी मूलतः कथन के कवि हैं, बयान के कवि। इसलिए उनकी कविताओं में न तो हमें वृत्तांत की बहुलता दिखाई देती है, इतिवृत्त की बहुलता, न चित्रण की बहुलता दिखाई देती है और न कथन कथन की यानी कहानी कहने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। उनकी कविताएं एक तरह से यथास्थिति के प्रति, वस्तुस्थिति के प्रति, यथार्थ के प्रति एक खास तरह के कवित्वमय रिस्पॉन्स से बनती है। और ये जो रिस्पॉन्स है ये मूलतः एक कवि का रिस्पॉन्स है और ये कवि एक ऐसा कवि है जो गहरे अर्थों में आधुनिक है, ये भीतर से आस्तिक है परंतु उसे मनुष्य पर और सिर्फ मनुष्य पर भरोसा है। उसे न धर्म पर आस्था है, न ईश्वर पर आस्था है, न समाज पर एक सीमा से ज्यादा आस्था है और न क्रांति पर और न व्यवस्था पर उसे आस्था है, लेकिन उसके भीतर मनुष्य के प्रति एक गहरी अगाध आस्था मौजूद है। और इसीलिए इसके कारण इस कविता में उसके पूरे के पूरे सोच विचार में एक गहरी उम्मीद भी पैबस्त है। इसलिए बहुत आसानी से अशोक वाजपेयी को आधुनिकता की आस्था का कवि कहा जा सकता है, यानी जो पुरानी आस्थाएं हैं परलोक के प्रति, ईश्वर के प्रति, समाज के प्रति आस्था, वो सब यहां नहीं दिखाई देते पर आधुनिकता जिस तरह से मनुष्य के प्रति आस्था करना सिखाती है तो एक तरह की आधुनिक चीजों के प्रति जो मनुष्य ने निर्मित की उनके प्रति एक आस्था दिखाई देती है। ये बात भी दिलचस्प है कि चूंकि अशोक जी मूलतः बयान के कवि हैं इसलिए उनकी कविताओं में अंतर्वस्तु को, विचार को और संवेदना को सीधे, सरल और पूरे वाक्यों में व्यक्त करने की प्रवृत्ति मिलती है। और यह प्रवृत्ति उनके पिछले 3 दशकों की यानी खासतौर पर 90 की बात की कविताओं में
बहुत प्रभावशाली हुई है, इसलिए उन्हें बहुत ही आसानी से वाक्यों का कवि भी कहा जा सकता है, पूरे वाक्यों का कवि। और ये वाक्य कविता की संपूर्ण काया में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यदि इन वाक्यों को संपूर्ण काया से बाहर निकाल दिया जाए तो भी वो उतने ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बने रहते हैं। इस पूरी प्रवृत्ति को, जो संस्कृत में जिसे हम सुभाषित और सूक्ति कविता कहते रहे हैं, आजकल हम जिसे आइडिया पोएट्री कहते हैं, वो उस कविता का एक तरह का, सुभाषित और सूक्ति कविता की जो भारतीय परंपरा है उसका आधुनिक रूपांतरण इसमें दिखाई देता है। अज्ञेय, मुक्तिबोध और धूमिल जैसे विचार प्रधान कवि हिंदी में अशोक वाजपेयी से पहले कविता के भीतर इस प्रविधि का बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करते आए। इसलिए इन कवियों के यहाँ, मुक्तिबोध इत्यादि कवियों के यहाँ प्रभावशाली वाक्य, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, इस तरह के वाक्य आपको बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। मैं तुम लोगों से इतना दूर हूं, तुम्हारी प्रेरणाएं मेरी प्रेरणाओं से इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विषय मेरे लिए अन्न है, एक पूरा वाक्य है, लेकिन एक पूरा वक्तव्य इस वाक्य के भीतर है। उसी तरह का के वाक्य आपको अशोक जी की पिछले 3 दशक की कविताओं में दिखाई देते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सुभाषित और सूक्ति कथन की कविता का एक खास तरह का विस्तार उर्दू गजल में हुआ है, और गालिब की कविता में जो उनकी लोकप्रियता है उसमें इन सूक्तियों की, इन वाक्यों की यानी कथनों की बहुत ही प्रभावशाली भूमिका है। ये अशोक वाजपेयी अपनी कविता में इसका एक खास तरीके का पुनर्वास करते हैं और एक खास तरीके से उसे एक पुनर्नवा करते हैं और उसे नए तरीके से बरतते हैं, और इसलिए उनकी कविता में प्रभावशाली ढंग से इसकी अभिव्यक्तियां मिलती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अशोक जी मूलतः रिस्पॉन्स के कवि, वर्णन चित्रण और कथा कथन के कवि नहीं है, इसलिए उनकी कविता में प्रथम पुरुष यानी कि मैं हमेशा प्रभावशाली बना रहता है। आप देखेंगे कि अशोक जी की 50% से ज्यादा कविताएं, और एक मतलब मैं जितना देखता हूं उसमें 70-80% कविताएं में मैं वाचक की भूमिका निभाता है। ऐसा होना आत्मगतता के कारण भी हो सकता है, पर यह जरूरी नहीं है कि ये कोई आत्मगत मैं ही हो। इसे एक शैली या काव्य रूप की तरह भी देखा जा सकता है, और ये परंपरा हिंदी में और भारतीय कविता में पहले से मिलती है। कबीर के यहाँ, मीरा के यहाँ, तुलसीदास के यहाँ, रोमांटिक कवियों में निराला प्रसाद महादेवी और पंत के यहाँ इसके अलग अलग तरह के दो रूप हमें दिखाई देते हैं। आधुनिक कवियों के यहाँ भी ये संरचना में इस चीज को हम देखते हैं, पर जब हम ये देखते हैं कि वाचक मैं होता है तो ये भी दिखाई देता है कि जब कोई आधुनिक कवि मैं का काव्य रूप अपनाता है तो उसमें रूमान का कोई ना कोई अंश प्रभावशाली ढंग से सक्रिय रहता है। ये बात कहनी बहुत जरूरी है कि अशोक जी की कविताओं में जो उनका कवि व्यक्तित्व उभरता है वो रोमान को निशेष करके यानी निचोड़ कर या निथेर कर या उससे पूरी तरह मुक्त होकर नहीं बना है, इसीलिए वहां रोमान का एक अंश लगातार उनकी कविता में, चूंकि मैं एक वाचक है उनकी कविता में लगातार, इसलिए बना रहता है। वो पूरी तरह रोमानी नहीं है पर वो रोमान को निशेष करने से भी नहीं बना है, इसलिए उनकी कविता में वैयक्तिकता के प्रकटन का भी एक अवसर हमेशा बना रहता है। जो अभी मैंने कहा कि आत्म इतिहास से संबंधित जो कविताएं हैं उसके अलावा भी जो कविताएं उनकी हैं जिनमें मैं मुख्य रूप से वाचक है, उन कविताओं में उनकी वैयक्तिकता को बहुत ही खास ढंग से देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये कि अशोक वाजपेयी की कविता यथास्थिति को प्रत्यक्ष वर्णन से वैसे उपस्थित नहीं करती जैसे कि त्रिलोचन जैसे कवि करते हैं, या जो हमारे जमाने में बहुत आम है कि हम कविता के वर्णन करते हैं यथार्थ के वर्णन या चित्रण से या कथा कथन से हम यथार्थ को उपस्थित करते हैं, परंतु यहाँ वो कथा कथन वर्णन और चित्रण से नहीं बल्कि उसके प्रति एक तरह के रिस्पॉन्स से बनता है। ये भी देखना दिलचस्प है कि समाज तो उनकी कविता में लगातार आता रहता है लेकिन राजनीतिक घटनाएं प्रायः उनके यहाँ अनुपस्थित रही। एक तरह से अशोक जी को नागार्जुन जैसे जो मुखर राजनीतिक
कवि है उसके दूसरे छोर पर देखा जा सकता है। मैं इन दो दशकों की बात नहीं कर रहा हूं जिस पर मैं फोकस करने कर रहा हूं, बल्कि 2000 से पहले की जो कविता है, वो 1960 से 2000 के बीच की जो उनकी कविता है, वो एक तरह से नागार्जुन जैसे कवि का जो जो की जो जो के अंदर जो राजनीति जितनी 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 ज्यादा जगह घेरती है, उसके दूसरे छोर पर आप अशोक वाजपेयी जैसे कवि को रख सकते हैं। तो हम जो सब जानते हैं कि नागार्जुन की कविता समकालीन राजनीतिक इतिहास का एक तरह का काव्यात्मक दस्तावेज बनाती है, एक तरह का वैकल्पिक इतिहास वो कविता में गढ़ती है, इतनी अधिक जगह कविता में राजनीति घेरती है। परंतु अशोक वाजपेयी उस रास्ते पर नहीं बल्कि उससे एक उलट रास्ते पर चलते हैं, इसलिए उनकी कविता में नागार्जुन वाला रास्ता आपको नहीं मिलता, बल्कि नागार्जुन से इतर जो दूसरा प्रमुख रास्ता स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता में मिलता है, मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय का रास्ता, उस तरह का कोई रूपक भी रचने की प्रवृत्ति, राजनीतिक रूपक रचने की प्रवृत्ति भी 2000 के पहले की अशोक जी की कविताओं में नहीं दिखाई देती। ये ठीक है कि भाषा की खिड़कियों से समाज बहुत साफ साफ जीवित और गतिमान उनकी कविताओं में दिखाई देता रहता है। इस मामले में अशोक जी को केदारनाथ सिंह और विनोद कुमार शुक्ल के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। जैसे केदार जी की कविताओं में और विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं में राजनीति जिस तरह दिखाई देती है, वो नागार्जुन से उलट जो 180 डिग्री वाला जो छोर है, उधर वाला छोर, उस तरह ये तीन कवि समकालीन कविता में एक संकुल बनाते हैं, केदारनाथ सिंह, विनोद कुमार शुक्ल और अशोक वाजपेयी, जहां जिनकी कविता में राजनीति उस तरह से जगह नहीं घेरती जैसे कि वो नागार्जुन की कविता में या मुक्तिबोध और धूमिल की कविता में वो घेरती है। इसलिए इन तीनों कवियों के यहाँ, केदारनाथ सिंह के यहाँ, विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ और अशोक वाजपेयी के यहाँ, कवियों का जो पार्श्व है और जो संधि है, बिटवीन द लाइन्स है और जो अंतराल है, वे बहुत महत्वपूर्ण बने रहते हैं। इस बात की तरफ भी हमारा ध्यान जाता है कि 1957 से जब से कि अशोक जी ने कविता लिखना शुरू किया, तो बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाएं मुल्क के अंदर घटी हैं। नेहरू युग का समापन, भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध, नक्सलबाड़ी आंदोलन, 1967 के चुनाव, बांग्लादेश का निर्माण, आपातकाल, संपूर्ण क्रांति, कांग्रेस का केंद्र से सत्ताच्युत होना, अलगाववादी और उपराष्ट्रीयतावादी आंदोलन, खालिस्तानी आंदोलन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, सिख विरोधी दंगे, अनगिनत स्त्री, दलित और आदिवासी विरोधी घटनाएं और दलित और आदिवासी संहार, राम जन्मभूमि आंदोलन, बाबरी मस्जिद ध्वंस, केंद्र सरकार द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर मुक्त अर्थव्यवस्था का स्वीकार, ये तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं। पर 2000 से पहले की कविता में, अशोक जी की कविता में, इनका कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव कविता में दिखाई नहीं देता। लेकिन एक आश्चर्यजनक विपर्य शिफ्ट 2003 में देखने को मिलता है उनके कविता संग्रह कुछ रफू कुछ थिगड़े में, जहां समकालीन राजनैतिक घटनाओं का एक दबाव अशोक जी की कविता पर दिखाई देता है। मैं खास तौर पर दो कविताओं का जिक्र करना चाहता हूं, 2003 का ये कविता संग्रह है। ये दो कविताएं हैं शब्द नहीं बचे और शुरुआत। इसके बाद जो कविता संग्रह आते हैं उनमें ये चीज बढ़ती चली जाती है। एक तरह से कुछ रफू कुछ थिगड़े एक ऐसा कविता संग्रह है जो अशोक जी की कविता यात्रा में एक बिल्कुल नए प्रस्थान की सूचना देता है। ये बिल्कुल ठीक है कि इस कविता संग्रह में भी पूर्ववर्ती कवि की छाया प्रधान है, परंतु एक नए कवि की के आगमन की भी एक पदछाप इस संग्रह में दिखाई देता है। इसलिए अशोक जी के समूचे काव्य संसार में इस संग्रह को, कुछ रफू कुछ थिगड़े को, एक संधि संग्रह की तरह, एक शिफ्ट करने वाले, एक रूपांतरण वाले संग्रह की तरह देखा जा सकता है इस संग्रह को। उनके अगले कविता संग्रह दुख चिट्ठी रसा है, इस संग्रह में ज्यादा ऐसे ये जो नया भावबोध है, नए तरह का कवि है, इसकी ज्यादा कविताएं दिखाई देती हैं। और फिर तो ये आगे के कविता संग्रहों में बहुत ही प्रमुख और प्रभावशाली हो जाता है।
इस 2003 के इस कविता संग्रह की दो कविताओं के बाद और बाद में और खासतौर पर पिछले एक दशक में कवि की कविताओं में सामाजिक राजनीतिक पक्षधरता और चिंताएं बहुत ही मुखरता से व्यक्त हुई हैं, जैसा कि पहले के उनके काव्य संसार में देखने को नहीं मिलती। तो मेरे मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो मैं बहुत गहराई से सोचने पर ये मानने के लिए मजबूर होता हूं कि इस परिवर्तन को 2002 के गुजरात जनसंहार से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ये मानना ही चाहिए कि गुजरात जनसंहार ने एक ऐसे कवि को जिस को लोकतंत्र पर, नेहरू नीत लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर एक गहरा भरोसा था, 2002 की इन घटनाओं में और 2002 की इन घटनाओं को जिस तरह का समाज में समर्थन प्राप्त होता है, उससे एक तरह से लोकतंत्र की नींव हिलती हुई दिखाई देती है। इसलिए जो बुनियादी विश्वास है समाज पर और राष्ट्रीयता पर और लोकतंत्र पर, वो बुनियादी विश्वास जैसे भीतर से कवि का आंदोलित होता है, डगमगाता है और उसे चोट पहुंचती है। अशोक वाजपेयी जैसे कि देख पा रहे हैं कि लोकतंत्र का और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करने वाली मध्यमार्गी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक राजनीतिक शक्तियां निर्णायक तरीके से कमजोर होती हैं और जनता तक उनकी पहुंच कम कम होने लगती है, और इससे लोकतंत्र पर एक खास तरह का संकट बनता हुआ दिखाई देता है। गुजरात जनसंहार के बाद जनसंहार के रचयिताओं को जिस तरह का समाज में समर्थन मिला, ऐसा लगता है, ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कवि अशोक वाजपेयी को इस समर्थन में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादोन्मुख और लोकतांत्रिक और आधुनिक राजनीतिक सामाजिक शक्तियों का पराभव दिखने लगता है और समाज में एक फासीवादी, पुनरुत्थानवादी सांप्रदायिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता हुआ साफ साफ दिखाई देता है। ये ठीक है कि 2004 में उदारीकरण की समर्थक मध्यमार्गी लोकतांत्रिक राजनीतिक शक्तियां केंद्रीय सत्ता में काबिज होती हैं, परंतु ये दिलचस्प है कि फासीवाद का प्रभाव किसी न किसी स्तर पर समाज के भीतर बढ़ता चला जाता है और जिसकी जिसके जिसका खतरा लगातार कवि अशोक वाजपेयी को और उनके समधर्मा कवियों को दिखाई देता रहता है। इसलिए बहुत सारे कवियों की कविताओं की केंद्रीय चिंता के रूप में ये बात दिखाई देती है। मैं इस बात को हमेशा कहता रहा हूं कि आलोचक नामवर सिंह में भी 1991-92 के बाद एक शिफ्ट आता है और नामवर जी की समूचे विचार का केंद्र बिंदु एक तरह का फासीवाद विरोध हो जाता है। ठीक वैसा ही अशोक वाजपेयी और उनके जमाने के दूसरे कवियों के साथ और खासतौर पर अशोक जी के साथ होता है, और ये जो पूरी प्रक्रिया चलती चल रही है गुजरात जनसंहार के बाद, 2012 के जो कथित भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन है उसके बाद की राजनीतिक घटनाओं में ये बहुत ही एक तरह का बहुत मुखर होकर ये चीज दिखाई देती है। इसीलिए कवि और नागरिक के रूप में अशोक वाजपेयी इन परिवर्तनों से चिंतित हैं और वो देख पा रहे हैं कि खास सामाजिक समूहों को धर्म, जाति, स्थानीयता, विचार और खान पान आदि के कारण निशाना बनाया जा रहा है। सार्वजनिक संस्थाओं के भीतर मौजूद वैचारिक खुलेपन पर कुठाराघात किया जा रहा है और उन्हें फासीवादी विचारधारा का केंद्र बनाया जा रहा है। असहमतियों का गला घोंटा जा रहा है, मत भिन्नताओं को बहिष्कार, कैद और हिंसा हत्या के माध्यम से डराया जा रहा है। अन्य की पहचान पर जोर दिया जा रहा है, भिन्न समूहों और विचारों को बड़ी मात्रा में तरह तरह की तरकीबों से चुप कराया जा रहा है और कम दर्जे के अपने प्रतिभावान समर्थकों को रेवड़ियां बांटी गई हैं और दूसरे पक्ष के प्रतिभावान लोगों को सार्वजनिक स्पेस से बेदखल करने की प्रक्रिया चल रही है। एक तरह से सामाजिक लोकतंत्र पर और राजनीतिक लोकतंत्र पर यह चौतरफा हमला जो एक दशक में हुआ है, अशोक वाजपेयी न सिर्फ इससे चिंतित हुए हैं
बल्कि एक नागरिक के रूप में, एक बुद्धिजीवी के रूप में, एक एक गद्य लेखक के रूप में वो लगातार इसके विरुद्ध सक्रिय रहे हैं और उनके गद्य में इसकी मुखर पहचाने दिखाई देती हैं। ये जरूरी है ये बात कहना कि उनका पिछले एक दशक का गद्य निर्भ्रांतता, स्पष्टता और निर्भयता का की पहचान से खड़ा हुआ है और उस गद्य को बहुत ही सहजता से साहसी गद्य कहा जा सकता है। ये बिल्कुल ठीक है कि अशोक जी की कविताओं में गद्य के समानुपात में ये बात नहीं दिख पड़ती। यूं भी कविता को गद्य का समानुपाती नहीं होना चाहिए और कविता को कभी निबंध नहीं बन जाना चाहिए, परंतु 2002-03 के बाद की और खासतौर पर पिछले दो दशक की कविताओं में बहुत ही विस्तार के साथ ये चिंताएं बहुत बनती हैं। मैं जिस कविता का मैं उल्लेख कर रहा था, कुछ रफू कुछ थिगड़े, उसका मैं एक अंश पढ़ता हूं। इसका शीर्षक है शब्द नहीं बचे। इधर तो ऐसी कविताएं बहुत बड़ी मात्रा में, सैकड़ों की संख्या में है, पर मैं शुरुआती कविता जिसे मैं एक तरह से संधि स्थल की दो कविताएं मानता हूं, उनमें से एक उद्धरण पढ़ता हूं। मेरे पास शब्द नहीं बचे, सिर्फ कुछ सहायक क्रियाएं, एकाध अव्यय और दो चार चुप्पियां और सिसकियां। ये जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है शब्द नहीं बचे का, इस डिस्क्रिप्शन में यदि इस वर्णन को पहले तो गुजरात जनसंहार की पृष्ठभूमि में पढ़ा जाना चाहिए और गुजरात जनसंहार की पृष्ठभूमि में पढ़ने पर यदि इस कविता में शब्द के स्थान पर मनुष्य रख दीजिए तो जैसे कि गुजरात के दंगों और जनसंहार का ये प्रत्यक्ष वास्तविकता पूर्ण सिनेमाई वर्णन बन जाता है। अब मैं एक वर्णन पढ़ता हूं कविता के भीतर से, आप देखिए कि वो बनता है या नहीं। शब्द की जगह पर जहां कवि ने शब्द कहा है वहां उसे मनुष्य रख कर पढ़िए, शब्द को मनुष्य का पर्याय मानिए। मैंने दूर से देखा कि बहुत सारे शब्द लहू लुहान पड़े हैं, आग में झुलसे हुए और राख हुए, कुछ कराहते और घायल, कुछ राहत की उम्मीद में हिलगे हुए, ढहा दी गई दुकानों और धराशायी हुए मकानों के पत्थरों के अंधेरों में, कुछ बेहद मासूम लगते बच्चा चेहरों के साथ घूरे पर पड़े थे जैसे कि कचरा हो। हम सब जानते हैं कि अशोक जी की पिछले 3 दशकों की कविताओं में शब्द और कविता, ये दो शब्द लगातार आते रहे और अशोक जी लगातार इन दो शब्दों को अलग अलग तरीके से अलग अलग अभिप्रायों में व्यक्त करते रहे हैं। परंतु अब 2003 में अशोक वाजपेयी ये कहने के लिए मजबूर हैं कि अब ये सुंदर और पवित्र नहीं बचे रह गए। स्याह खून से लिखी जाती नाम की एक कविता है उनकी, जिसमें वो जैसे भविष्य और वर्तमान का एक दस्तावेज और नहीं बन सकती बन सकते शब्द बल्कि सिर्फ समाधि लेख। कविता स्याह खून से लिखी जाती है, ऐसे में वह भविष्य और वर्तमान का दस्तावेज नहीं सिर्फ समाधि लेख भर हो सकती। ये जो परिवर्तन है भाषा बिंबों और रूपकों में, जो ये परिवर्तन अशोक वाजपेयी की कविता में आया है, ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं, ये चेतना के स्तर पर आए हुए उस नए मोड़ का सूचक है जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। इसीलिए सुंदरता, पवित्रता, उम्मीद, भाषा और कविता पर अगाध विश्वास रखने वाले कवि की पुकार बदल गई है। अब कवि जिन चीजों को पुकारता है उनमें आंसुओं के काले बादल हैं और नीरव विलाप है। मैं कविता के दो टुकड़े पढ़ता हूं। आवाज देता हूं मरने से पहले झाड़ियों में फंसे नीले हिरन की आंखों में छाए आंसुओं के काले बादल को। आवाज देता हूं 10वीं शताब्दी के मंदिर में उत्कीर्ण अपने भरपूर यौवन में अनश्वर पर बूढ़ी हो गई रोग से जर्जर शय्याग्रस्त स्त्री के नीरव विलाप को। आवाज देता हूं निर्मम हत्या के बाद छा गई चुप्पी पर खून के धब्बों और उंगलियों की असावधान छाप को।
ये जो पुकारे हैं, इन पुकारों में क्रूरता, परायपन, हिंसा, हत्या और जनसंहार की संस्कृति जिस तरह से प्रभावशाली हो रही है, उसके प्रभावशाली होने की विवशता से ये पुकारें उपजी। ये एक तरह का विलाप है जो अशोक जी की कविताओं में बढ़ा है। कवि बहुत ही सहजता से लक्षित करता है, अपनी एक पंक्ति में वो कहते हैं, कोई नहीं सुनता पुकार। ये एक तरह से मीरा की उस पुरातन पवित्र पंक्ति का एक आधुनिक पुनर्कथन है, पुनर्गायन है, जिसमें मीरा कहती हैं कि दुख कोई नहीं जानता, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द कोई नहीं जानता। इसी तरह अशोक जी कहते हैं, कोई नहीं सुनता पुकार। तो ये जो विलाप है अशोक जी की कविता में, ये विलाप बढ़ा है। और ये कविता पढ़ते हुए सहज ही हमारा ध्यान जाता है कि समकालीन समाज में चीखें, सिसकियां, कराहें, प्रार्थनाएं, विनतियां और गिड़गिड़ाहटें बढ़ी हैं, और इनको अनसुना करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। कोई नहीं सुनता पुकार, सुनती है कान खड़े कर, सीढ़ियों पर चौकन्नी खड़ी बिल्ली, जिसे ठीक से पता नहीं कि डर कर भाग जाना चाहिए या ठिठक कर एक टक उस ओर देखना चाहिए। चीखों, सिसकियों, कराहों और प्रार्थनाओं को अनसुना करने वाला ये जो क्रूर ताकि और हत्या हिंसा की संस्कृति को लगातार अपने भीतर बढ़ाता हुआ जो समाज है, अशोक वाजपेयी जिस समाज के सम्मुख खड़े हैं, जिस समाज के बीच वो अपनी ये नई कविताएं लिख रहे हैं, उस समाज का एक तरह का विवश प्रत्याख्यान इन कविताओं में दिखाई देता है। कहना ना होगा कि इस तरह के वर्णन अब अशोक जी की कविताओं में बढ़े हैं। अब जैसे ये, और अब यह तय करना मुश्किल है कि जो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दे रहा है वह कोई पड़ोसी है या कि कोई हत्यारा, जिससे पता चल गया है कि हम किस तरफ है। झूठे वायदों और नशंस हत्याओं से नई जनरुचि बन रही है। असहमत पर खोखिया के हमला वर होते हैं कई चिकने चुपड़े भेड़िए, अंधेरे में धोखे से छुरा भोंकना नई बहादुरी। ये जो नया समाज है, हत्या और हिंसा और क्रूरता को ज्यादा बड़ी मात्रा में धारण करने वाला और एक तरह से पुरातनता का और पुरानी सामाजिकता का बहिष्कार करने वाला समाज, अशोक जी की दो दशक की कविताएं लगातार इस पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन को कहती हैं। ये अकारण नहीं है कि कुछ शब्द बार बार अंधेरे अशोक जी की कविताओं में इन दो दशकों में दोहराए गए, जैसे अंधेरा और उजाला, बार बार ये शब्द दोहराए गए हैं। अभी जो मैंने शुरुआत में जो उदाहरण पढ़े थे उसमें से भी आप देखेंगे कि अंधेरा बार बार आता है। तो ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन अशोक जी की कविता में, मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं एक कविता का एक अंश पढ़कर इस पूरे प्रकरण को समाप्त करूंगा। हमारे जमाने में ये जो क्रूरता का, हत्या और हिंसा का, ये जो फांसीवादी और पुनरुत्थानवादी करवट से बनता हुआ जो नया समाज है, उसका वो समाज एक मसीहा पैदा कर लेता है। अशोक जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जिसमें इस मसीहा का एक चित्र दिखाई देता है। सभी कहते हैं कि वह आ रहा है उद्धारक मसीहा, हाथ में जादू की अदृश्य छड़ी लिए हुए, इस बार रथ पर नहीं, अश्वारूढ़ भी नहीं, लोगों के कंधों पर चढ़कर वह आ रहा है। यह कहना मुश्किल है कि वह खुद आ रहा है या कि लोग उसे ला रहे हैं। ये जो मसीहा आ रहा है,
ये मसीहा हमारे समाज में मौजूद, जो जनता के बीच मौजूद, जो आंतरिक विभाजन है उनसे पैदा हुआ है। और ये मसीहा जनता के उन आंतरिक विभाजनों का बहुत ही रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल करता है। इसलिए अशोक जी साफ साफ कह पाते हैं, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अशोक जी की इन दो दशकों की कविताओं में लगभग मुक्तिबोध की ही तरह मध्य वर्ग का एक गहरा आलोचन और मध्य वर्ग के प्रति एक गहरा आत्मालोचन भाव इन कविताओं में बिखरा पड़ा है। आत्मालोचना के बहुत सारे रूप इन दो दशकों की कविताओं में, जो जैसे मुक्तिबोध कहते हैं कि ये जो बनाया है ये हमारी भूलों, हमारी गलतियों से बना है। भूल गलती आज बैठी है, ये हमारी ही भूल और गलतियां हैं जो मेरे ही कारण, मानो मेरे ही कारण लग गया मार्शल लॉ। यह आत्मालोचन का ये जो स्तर मुक्तिबोध में मिलता है, लगभग उसका एक नया किस्म का रूपांतरण और एक बुनियादी चेतना मुक्तिबोध की, वो आत्मालोचन और आलोचन वाली अशोक जी की इन दो दशकों की कविताओं में मिलती है। इसी कविता में जिसका मैंने उल्लेख किया, मसीहा आ रहा है, उसमें आप इस उदाहरण को देखिए तो आपको समझ में आएगा। हम जो कीचड़ से सने हैं, हम जो खून में लथपथ हैं, हम जो रास्ता भूल गए हैं, हम जो अंधेरे में भटक रहे हैं, हम जो डर रहे हैं, हम जो ऊब रहे हैं, हम जो थक हार रहे हैं, हम जो सब जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं, हम जो अपने पड़ोस से घबराते हैं, हम जो आंखें बंद किए हैं भय या प्रार्थना में, हम सब से कहा जा रहा है कि उसकी प्रतीक्षा करो, सबका उद्धार करने, सब कुछ ठीक करने वह आ रहा है। कविता का शीर्षक है आतताई की प्रतीक्षा। तो साथियों, मैं बोलता रह सकता हूं, और मेरे सामने अशोक जी के कविताओं के, दो दशक की कविताओं के बहुत सारे उद्धरण और बहुत सारे उसके उसके विश्लेषण मौजूद हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि मुक्तिबोध और खास तौर पर अंधेरे में कविता का एक पुनर 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 गायन, या जिसे मैं अनुकीर्तन कहता हूँ नाट्यशास्त्र की शब्दावली में, वो दिखाई देता है। जैसे अंधेरे में कविता में गांधी एक एक खास ढंग से उपस्थित होते हैं, अशोक जी की भी इन दो दशकों की और खास तौर पर एक दशक की कविताओं में गांधी बार बार उनके गद्य में और उनकी कविता में भी आते हैं। पर अशोक जी की कविताओं के भीतर एक ये भी पहलू अंत में मौजूद है कि ये सब कुछ, ये फांसीवादी करवट समाज की, राजनीति की, ये सब कुछ, ये जो लोकतंत्र का क्षरण है, पतन है, ये जो सब कुछ धीरे धीरे खत्म और नष्ट हो रहा है, ये सब कुछ जो विलयित हो रहा है, जो महान था, जो पवित्र था, जो बड़ा था, इसके बावजूद ऐसा नहीं कि भविष्य, कोई भविष्य नहीं है, भविष्य है, और ये भविष्य एक इनकार से बनेगा, एक जबरदस्त और प्रभावशाली इनकार हमारे भविष्य को रचेगा। ये इनकार कैसे खड़ा होगा, कैसे बनेगा, इसकी भी वानगियां अशोक जी अपने गद्य में देते हैं, पर वो कविता में भविष्य और इस भविष्य की उम्मीद को और इनकार को एक साथ रखते हैं। और मैं एक उद्धरण पढ़ते हुए आज के अपने इस वक्तव्य को समाप्त करता हूं। तब यह समय इनकार का है, समय में अकेले पढ़कर भी अपने सच पर इसरार करने का, समय है सारे बेईमान और अभद्र शोरगुल के बीच एक खरी आवाज बनकर उभरने का, समय है साफ साफ देखने की कोशिश का, चारों ओर हो रहे अत्याचारों की शिनाख्त करने और अपने को सबसे अलग न मानने और अपनी शिरकत को कबूल करने का, समय है समय से यह पूरी बेबागी से कहने का कि वह कितना ही क्रूर, हिंसक और हत्यारा क्यों न होता जा रहा हो, उसका प्रतिकार करने का और उससे बचने की कोशिश का करने का समय फिर भी है। वह सब जो उसके पार जा सकता और हमारे आदमी होने की तमीज को बरकरार रख सकता है, तब यह समय इनकार का है। साथियों,
मैंने अपने इस व्याख्यान का शीर्षक रखा था तब भी बेहतर गाता है। ये उनकी एक कविता पंक्ति है जो एक एक कविता के भीतर आती है। तो बेहतर के प्रति, बेहतर को, बेहतर का एक सपना अशोक जी की इन दो दशकों की कविताओं में बहुत प्रभावशाली ढंग से उभरता है। मैं समझता हूं कि तीन तरह के अशोक वाजपेयी हैं कविता में। एक अशोक वाजपेयी जो 80 से पहले हैं, एक अशोक वाजपेयी 80 से 2003 के बीच में हैं। ये वो समय है जब उनको देह और गेह का कवि कहा गया, और फिर एक नए अशोक वाजपेयी हैं जिनसे हमारा सामना है 2003 के बाद के समय से आंखें मिलाते हुए, उससे इनकार करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए, उसकी पुनर्रचना की कोशिश की पुकार करते हुए कवि अशोक वाजपेयी। मैं जनसुलभ का और भाई साथी अर्पण कुमार जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अशोक जी पर, उनकी कविताओं पर, उनके व्यक्तित्व पर कुछ कहने का मुझे आज अवसर दिया। आप सब लोग जो इस फेसबुक लाइव में उपस्थित रहे, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष त्रिपाठी जी इस बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। और मित्रों, आज के इस वक्तव्य में ऐसी कई बातें, ऐसे कई संदर्भ आए जिनके माध्यम से एक कवि के विकास क्रम को भी हम समझ सकते हैं। कहानियों में जिस तरह से हम बात करते हैं कि पात्रों का एक अपना चारित्रिक विकास होता है, उसमें कई परिवर्तन आते हैं, इस वक्तव्य में आशीष जी ने यह भी रेखांकित किया कि किस तरह कवि भी लगातार समय के साथ बदलता चला जाता है। तमाम मित्रगण यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी का धन्यवाद। और जिस तरह से साथियों हमारे समाज में सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों, आदर्शों, स्वप्नों से विपथ गमन की कई घटनाएं घटी, उसकी चर्चा विस्तार से और सोदाहरण आशीष जी ने की। उन तमाम संदर्भों के बीच अशोक वाजपेयी जी की कविताएं एक एक कर किस दिशा में जा रही हैं, किस तरह से उसके प्रभाव को आत्मसात करती हुई अपनी बात रख रही हैं, हमने उसे भी आज सुना समझा। अशोक जी की कविताओं में समाज, विशेषकर मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के जो आत्मीय मगर साथ साथ निरपेक्ष चित्र हैं, उन्हें अभिव्यक्त करती हुई कविताओं की ओर भी आशीष जी ने हमारा ध्यान आकृष्ट कराया। आत्म इतिहास और परिवार के साथ संपृक्ति भी तो अंततः समाज के साथ ही संपृक्ति है। इसी समाज का जो बहुलता धर्मी ताना बाना था, जो कई घटनाओं से विचलित हुआ, कमजोर हुआ, उनसे कभी निराश होता है, अशोक जी भी होते हैं, और उस निराशा को वे कई कई जगहों पर स्वीकारते हैं अपनी कविताओं में, वक्तव्यों में। यहां यह भी कहना आवश्यक है कि वह निराशा इकहरी नहीं है, वह टूट टूट कर भी स्वयं को जोड़ते चले जाने की कोशिश है। वे बतौर नागरिक और कवि अपनी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ते। वहां विध्वंस और उसके पीछे की ताकतों को जो पहचानती हुई कविताएं हैं, उन्हें रेखांकित करती हुई कविताएं हैं, उस ओर भी, उन कविताओं को भी उद्धृत करते हुए आशीष जी ने अपनी बात रखी। यहां पर कुछ समय लेते हुए आशीष जी एक उनका एक कविता संकलन कम से कम जो आया, जिसमें 2015 से 2018 के बीच लिखी गई उनकी कविताएं हैं, उसकी भूमिका के अंतिम दो हिस्से पढ़ना चाहूंगा। और आपने एक बात कही कि अशोक वाजपेयी मूलतः कथन के कवि हैं, तो कैसे इस संग्रह में एक एक दो दो पंक्तियों की कविताएं हैं, तो उनमें से भी कुछ एक कविताएं मित्रों के लिए रखते हुए हम लोग आज के इस
संवाद को विराम देंगे। मित्रों, कम से कम संग्रह की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और उसमें हम कवि की पूरी यात्रा को भी समझते हैं, अलग अलग हिस्सों में, टुकड़ों में, खंडवार भी अपनी बात रखते हैं। अंतिम दो टुकड़े पढ़ता हूं। अशोक जी लिखते हैं, कविता की आंख सच्चाई को देखती है, आत्मा के तहखानों में झांकती है, दूसरों की जवाबदेही के साथ अपनी जवाबदेही भी परखती है और स्वयं अपने को निरखती है। यह सब वह भाषा में करती है और इस समयातीत सत्य के दौर में भाषा के सच को पहचानने की कोशिश में रहती है। कविता दर्ज करती है और ऐसा करते हुए अपनी हिस्सेदारी और ऐसा दर्ज करते हुए अपनी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी को भूलती नहीं है। और इसके बाद वे अपनी कविताओं की बात कहते हैं, और मैं देखता हूं कि उनकी ज्यादातर भूमिकाओं में वे कविता को लेकर कहीं ना कहीं एक विनम्रता का भाव भी रखते हैं, और वे यह भी कहते हैं कि इस समय कविता और नागरिकता के संघर्ष लगभग समान हो गए हैं, कम से कम मुझे ऐसा लगता है। जो बात मैं शुरू में कह रहा था, एक बहुत बड़ी टिप्पणी है हमारे समय पर, जब एक कवि यह लिख रहा है कि इस समय कविता और नागरिकता के संघर्ष लगभग समान हो गए हैं। यहाँ कवि और नागरिक एक में हो जाता है, और जो बात हमने शुरू में कही गोपेश्वर सिंह जी की आलोचनात्मक, उनके आलोचनात्मक लेख से जो उद्धृत करते हुए कि किस तरह वे लगातार इन इन जो सांप्रदायिकता विरोधी जो अभियान है उसमें वे संलग्न हैं, लगे हुए हैं। ये कुछ बातें थी मित्रों, और जो कुछ एक एक पंक्ति की कविताएं हैं जिसमें कवि का भाव किस तरह से आता है, हमारे सामने प्रकट होता है, वो हम कुछ सुनते हुए चलते हैं। इसी संग्रह से एक पंक्ति की कुछ कविताएं एक पढ़ता हूं। भूल कर हम गंवाते हैं, भूल कर हम गंवाते हैं, याद कर पाते हैं। एक और देखिए, छोटी छोटी पंक्तियां हैं। हर पगडंडी रास्ता नहीं बनती, हर पगडंडी रास्ता नहीं बनती, हर रास्ता पहले पगडंडी नहीं होता। एक दूसरी, हमने ईश्वर नहीं देखा, न ईश्वर ने हमें देखा, फिर भी हम एक दूसरे पर इतना भरोसा करते हैं। और जो बात आशीष जी कह रहे थे कि उनके यहां ईश्वर की एक बड़ी जगह जो है वो मनुष्य ले लेता है, उनके यहां मनुष्यों में जिस तरह की आस्तिकता है वह बहुत बड़ी बात है, वह ईश्वर से अधिक मनुष्यों पर भरोसा करते हैं। ईश्वरहीन अध्यात्म उनकी एक पदावली है जो बार बार कई जगहों पर आती है। एक दो और पढ़ता हूं फिर हम विराम लेंगे। वे लिखते हैं, शब्द में समा नहीं सकता संसार, शब्द में समा नहीं सकता संसार, संसार से परे नहीं हो सकता शब्द, संसार से परे नहीं हो सकता शब्द। और यह देखिए, अधेड़ आंखें झुरियों भरा माथा, हम हर दिन नया युवा संसार देखते हैं। अधेड़ आंखें झुरियों भरा माथा, हम हर दिन नया युवा संसार देखते हैं। एक और, प्रार्थना एक वृक्ष है, प्रार्थना एक वृक्ष है जिसकी हर पत्ती गुनगुनाती है, पर अपने लिए कुछ नहीं मांगती, पर अपने लिए कुछ नहीं मांगती। और अंतिम, चकाचौंध रोशनी नहीं है, चकाचौंध रोशनी नहीं है, रात अंधेरा नहीं है, रात अंधेरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस सकारात्मकता के साथ ही
हम लोग आज के इस संवाद को विराम देते हैं और एक बार पुनः आशीष जी का हार्दिक आभार कि कैसे भी करते हुए और व्यस्त रहते हुए, अलग अलग यात्राओं में रहते हुए, वे अंततः यहाँ पर आने के लिए समय निकाल पाए और यह एक सार्थक बातचीत संभव हो सकी। कई मित्रगण जुड़े रहे, तमाम लोग, सभी का धन्यवाद। आशीष जी, शायद आपका माइक ये है, म्यूट है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब, आपका अर्पण जी, और बहुत धन्यवाद उन सभी साथियों का जो फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े रहे। चूंकि ये सीरीज अशोक वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर है, तो इतना देर से ही सही, लेकिन हम सब इस माध्यम से उनको लंबी उम्र की, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करें कि वो यूं ही इस गिरते हुए लोकतंत्र के प्रति जो एक लड़ाई वो उन्होंने छेड़ रखी है, वो इस तरह हम सबके साथ बने रहें और हमारा वैचारिक और संवेदनात्मक नेतृत्व करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया आशीष जी, अच्छा लगा आपको सुनकर। और मित्रों, कुछ एक नाम हम ले ही ले, मैं कंप्यूटर बंद कर रहा था लेकिन हमने कुछ नाम नोट कर रखे थे जो मित्रगण जुड़े हुए हैं। सुधांशु शर्मा जी, राजकमल सिंह, दुर्गा प्रसाद मिश्र, अंशुमति, दिनेश सजल यादव, बंकिम जी, मीमांसा त्रिपाठी, कंचन जंघा पत्रिका, दुर्गा प्रसाद मिश्र, सिमरन तिवारी, ज्योति द्विवेदी, क्षमा दुबे, अवनीश मिश्र, सुधांशु शर्मा, मानवेंद्र सिंह, राजेश गनोदवाले, मिथिलेश शरण चौबे, शुभांगी श्रीवास्तव, राज नारायण सिंह, विनीजा विजयन, कुमार हंसराज ज्योतिष और तमाम हिंदी सेंट पीटर, सिमरन तिवारी और ऐसे ही कुछ और लोग, आप सभी का हार्दिक चंद्र कला सिंह, प्रतिभा, अंजलि, अशोक भौमिक जी और तमाम सभी मित्रगण, आप सभी का आभार। अशोक वाजपेयी जी पर यह एक आग्रह जारी है, कल एक नई कड़ी में फिर से मिलते हैं, उनके किसी और पक्ष पर कुछ बातचीत करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।